नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, मैं हूं सचिन। दिल्ली में धूम मचाने के बाद बाबा बागेश्वर का नोएडा में दिव्य दरबार लगा है। बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। आयोजकों की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं, भव्य लगाया गया है, लाखों की संख्या में लोग आए। पुलिस की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। कलश यात्रा के साथ दरबार की शुरुआत हुई। कलश यात्रा में तस्वीरें मानो ऐसी थी, जहां पर देखिए केसरी रंग, जहां पर देखिए भगवा रंग, जहां पर देखिए कलशी कलश और जय श्री राम के नारे। जिन्होंने पूरे मंदसौर को भगवामय बना दिया है, अब तो जो धर्म विरोधी है उनको भी खुजली हो गई होगी। होती है जो होने दो, मलम हम लेकर देंगे, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। दिल्ली के बाद यूपी में पधारे बाबा बागेश्वर, यूपी में भी जगाएंगे हिंदू राष्ट्र की अलख। नोएडा में धर्मांतरण पर बाबा का करारा प्रहार। दिल्ली में बाबा बागेश्वर दरबार के सफल आयोजन के बाद नोएडा में बाबा का लगा है दरबार। 9 जुलाई को कलश यात्रा के साथ हनुमत कथा का आयोजन भी शुरू हो चुका है। करीब 200 बीघे में पंडाल बनाया गया है और दावा किया जा रहा है कि करीब 15 लाख से ज्यादा लोग बाबा बागेश्वर के प्रवचन को सुनने के लिए आएंगे। दिल्ली के बाद नोएडा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का क्या है कार्यक्रम, देखते हैं। नोएडा के जैतपुर मेट्रो डिपो के पास से कार्यक्रम हो रहा है। 10 से 16 जुलाई तक बाबा बागेश्वर हनुमत कथा कहेंगे। 12 जुलाई को बाबा का दिव्य दरबार लगेगा और लोगों की पर्ची निकालकर उसका समाधान बताएंगे। वहीं 14 जुलाई को बाबा की तरफ से सनातन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और 24 घंटे भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। नोएडा में बाबा बागेश्वर के दरबार की शुरुआत कल कलश यात्रा के साथ हो चुकी है। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी दिखी। बाबा के दरबार के लिए लोगों में भारी उत्साह है। खासकर दिव्य दरबार के दिन में करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। आयोजकों की तरफ से भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए 24 घंटे भंडारे का आयोजन किया गया है। दरबार लगने वाला है और कुछ देर बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी पंडाल में मौजूद होंगे और बारिश के बावजूद भी देखिए सैकड़ों की संख्या में जो भक्त हैं वो मौजूद हैं और दरबार में बस एक ही चीज सुनाई दे रही है, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। पंडाल के चारों तरफ मैं दिखाऊंगा किस तरीके से, देखिए हजारों की संख्या में जो भक्त है वो यहाँ मौजूद है। भारी बारिश के बावजूद भी जो भक्त है बुलंदशहर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद तमाम जिलों से यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। पंडाल में देखिए केवल जय माता दी, जय माता दी जो लगाई जोरे लगाई जा रहे हैं और तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुव्यवस्था की गई है। महिलाओं में काफी उत्साह है और इनका साफ तौर कहना है कि जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ मौजूद होंगे तो हम उनकी कथा सुनेंगे और कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब आएंगे तो इनका उत्साह और बढ़ जाएगा। बाबा बागेश्वर जहाँ भी जा रहे हैं भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा भी अपने प्रवचन के जरिए लोगों में हिंदू राष्ट्र के लिए ललक बढ़ा रहे हैं। धर्मांतरण पर बाबा करारा प्रहार कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का जादू सिर्फ दिव्य दरबार ही नहीं बल्कि उनके प्रवचन में भी दिख रहा है। आखिर यूपी में बाबा बागेश्वर के दरबार के क्या है मायने? सनातन धर्म से युवाओं को जोड़ना, हिंदू राष्ट्र की मांग को मजबूत करना, धर्मांतरण जैसी साजिश पर प्रहार करना, देश में हिंदू राष्ट्र की अलख जगाना और यूपी दिल्ली में धर्मांतरण पर बाबा की तरफ से चोट किया जाएगा। बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर देश में धूम है। जहां जहां बाबा वहां वहां पब्लिक की भीड़ देख मानो हिंदू राष्ट्र की अलख के पीछे पूरा हिंदुस्तान चल रहा हो। वहीं कई लोग ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के दरबार के पीछे राजनीति है। 2024 से पहले बाबा बागेश्वर के दरबार को बीजेपी के मुद्दे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन बाबा बागेश्वर के दरबार में आने वाले लोग आम जनता है जिन्हें बस बाबा को देखना है, सुनना है, दिव्य दरबार में बाबा के सामने बैठकर अपना समाधान जानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आचार्य प्रमोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु, और एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रावत साहब, आपने देखा जगह बदल जाती है धीरेन्द्र शास्त्री की, दिल्ली में मौजूद थे, अब यहाँ ग्रेटर नोएडा चले गए, लेकिन वो उत्साह, वो भीड़, वो लाखों की संख्या में सनातनी, लाखों की संख्या में उनका आह्वान कि सनातनी बनो, अगर हिंदू हो तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कलश यात्रा के साथ मानो ऐसा दिख रहा था, लाखों लोग ऐसे दिख रहे थे भगवा में कि मानो हिंदू राष्ट्र हो गया, ये अलग बात है, हम उस पर अलग से बात करेंगे। कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या ये जागरूकता, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं? कभी कभी ऐसे व्यक्तित्व और दिव्य आत्माएं पैदा होती हैं जिनके कारण कोई भी जो धर्म होता है उसमें एक उत्साह और एक जागृति आती है। पहले भी हमारे यहाँ पर होते रहे हैं कि जिन्होंने दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, गुरु नानक देव जी, बहुत सारे ऐसे संत होते रहे हैं। उन्हें से एक दिव्य आत्मा है ये संत के, जिनके अंदर एक काबिलियत है और एक विद्या है और प्रभु का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, जिसके कारण इतनी भीड़ इनके पीछे उमड़ रही है। कुछ तो है, और जो इस बात को समझ जाता है ना, वो कहीं ना कहीं क्रांति लाने में सक्षम होता है। तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ, इसकी भीड़ को देख करके, जितनी ये भीड़ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ और हिंदू क्रांति, हिंदू में जागृति, हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, लेकिन हिंदुओं के अंदर जो क्रांति और एक उत्साह जो पैदा किया जा रहा है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू सोया हुआ था, सनातन है ना, बहुत पुराना है, अनादिकाल से है। आज जिस जागृति की जरूरत थी वो जागृति ये लेकर के आ रहे हैं, इसलिए इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार से, इसी उत्साह के साथ देश के प्रांत के कोने कोने में जाकर के इस प्रकार से जन जागरण करें, तो निश्चित तौर पर जो लव जिहाद है, जो धर्म परिवर्तन है, जो लैंड जिहाद है, जो कश्मीर को हिंदू विहीन किया गया, उन चीजों पर निश्चित तौर पर रोक लगेगी और हिंदू का जागृत होना बहुत जरूरी है सचिन जी, और इस काम में ये आगे बढ़े, हमारी शुभकामना इनके साथ में। और जिस तरीके से लोग उमड़ते हैं, 1, 2, 4, 5, 10, 20 या 1000 भी हों तो ठीक है, लेकिन प्रमोद मिश्रा जी, आपको भी मैं इसमें बीच में लाना चाहता हूं कि जो हम ये कहते थे कि कुछ भी होता है, कि जैसे रावत साहब अपने तरीके से जो है सनातन की सेवा करते हैं या अपने तरीके से बात रखते हैं, हिंदू धर्म की आप अपने तरीके से बात रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते, हिंदू इकट्ठा क्यों नहीं होता, सनातनी इकट्ठा क्यों नहीं होता। अब यहाँ पर हमने ये देखा है कि वो बात ही इसी चीज की कर रहे हैं कि आपने इकट्ठा होना है, वो बात ही इसी चीज की करते हैं कि आपने हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र की परिभाषा भी वो उस तरीके का उतारे, वो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि इस राष्ट्र का संविधान से कोई छेड़खानी होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू तो कम से कम जगह वो हो कि वो हिंदू है। बिल्कुल सचिन जी, बहुत अच्छी बात कही, और हमारे पूजनीय एचएस रावत साहब भी बराबर जुड़ते हैं और धर्म के प्रति बड़ी आस्था रहती है और जनता को सजग करते हैं ज्योतिष के माध्यम से भी और धर्म के माध्यम से भी। मेरा कहना है कि जैसे जब भी हमने देखा कि पहले भी जैसे स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से, रामकृष्ण परमहंस जी के माध्यम से, आचार्य रामकृष्ण के माध्यम से, गायत्री परिवार के तरफ से भी बार बार जो है हिंदू को जगाने की कोशिश की गई है और करते ही रहे अपने अपने तरीके से, हर लोग, हर कोई कर रहा है, जितने भी महापुरुष आए हैं करते रहे हैं। रामचरितमानस में कहा गया, बाबा तुलसी कहते हैं कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। परमात्मा का एक अंशा अवतार, परमात्मा स्वयं नहीं आते, मतलब मैं इस भाव को इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को जोड़ के आगे चलना, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों की संख्या में हिंदुओं को जागृत करना, और जागृत करना नहीं, दिलों में और दिमाग में राम के शब्दों को, हनुमान जी की शक्तियों को बता देना और उनको जोड़ करके आगे बढ़ाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती सचिन जी। सचिन जी, बिना भगवत कृपा के ये संभव ही नहीं है, हम एक कदम तो बढ़ा ही नहीं सकते, यहाँ तो देश एक मतलब उसी कदम पर चल रहा है, उसी राह पर चल रहा है जहाँ पर ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, उस तरह चल रहा है। और बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो सनातन धर्म के लोग हैं, मतलब गुरुकुल को खत्म कर देना, शिक्षा की व्यवस्था को खत्म कर देना, उस व्यवस्था को पूरा
जागृत करते हुए और समाज में आके स्थापित कर रहे हैं, लोग अपने जागरण की तरफ बैठे हुए हैं, लग रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, धर्म को जानते हैं, जानते हैं कि धर्म क्या होता है, ये जानते हैं। अभी जैसे कि दिल्ली में आए हुए थे तो उन्होंने बताया कि भाई तिलक क्यों लगाना चाहिए, तिलक लगाओ, आप जानो कि अपने आप को क्या हो, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी हुई हैं शिक्षा की व्यवस्था में, स्कूलों में बच्चे आते हैं वहां कहा जाता था कि भैया तिलक लगा क्यों आए हो, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, आपके सिर पे चोटी है, चोटी ठीक नहीं है स्कूल के लिए या व्यवस्था के लिए, यहाँ यहाँ के लिए जो शिक्षा की पद्धति इसलिए ठीक नहीं है, कहीं कहीं यहाँ भेदभाव भी होगा। तो ये सब व्यवस्थाओं को बच्चे क्या करते थे, टीका अपने आप लगा के मिटा देना, मूली हटा देना, कावा हटा देना, चोटी हटा देना, तो अपनी संस्कृति जो हमारी है, हमारी सभ्यता है, उसको भी कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा था जिस भी माध्यम से, जो भी इसके पीछे लोग हों फिलहाल। लेकिन उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, लागू करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये कोई दैवीय शक्ति ही है। और मैंने इस रामचरित मानस की चौपाई इसलिए कही है कि बिना प्रभु की इच्छा से, बिना प्रभु के जो है जो उनकी कृपा से ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि जो धीरे शास्त्री कर रहे हैं ये प्रभु की कृपा ही है, प्रभु की इच्छा है, और बड़े तौर तरीके से, बड़े नियम से, बड़े सिस्टम से और बहुत अच्छे विधि विधान से सब कुछ, देश का हर एक चीज, हिंदू का जागरण हो रहा है, चाहे वो राम मंदिर की स्थापना हो, चाहे वो जो है राम नाम का प्रचार हो, धर्म की ध्वजा लहराना और हिंदू राष्ट्र के प्रति आगे बढ़ाना, तो ये सब चीजें जो हो रही हैं बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हो रही हैं और इसमें ईश्वर की कृपा है, इसीलिए संभव हो रहा है। सचिन जी बात है सर, वो सिर्फ हर बार ये चार से पांच चीजें लेकर के जाते हैं कि भैया सनातन का प्रचार होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना चाहिए और धर्मांतरण का विरोध होना चाहिए, वो तभी होगा जब हिंदू एकजुट होगा। आपको तिलक लगाने में किस तरीके की है, आप जितने हिंदू एक दिन एकजुट होकर के आप तिलक लगा करके निकलिए या भगवा पहन के निकलिए, सबको पता रहेगा कि हाँ हिंदू कैसे एकजुट है और वो कैसे है, उस तरह की परिभाषाओं को वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। मैं रावत साहब के पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले बड़ी अच्छी चौपाई आपने गाई थी, मैं चाहूँगा एक ऐसे ही भजन या एक ऐसी चौपाई अगर मिश्रा जी आप हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए और गुनगुना पाए, फिर उसके बाद मैं रावत जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक और बड़ी अच्छी बात है, जैसे जब रामा अवतार हुआ, रामा अवतार में सुपर्णखा जब देखती है यहाँ पर कि भाई जो है राम और लक्ष्मण आए हैं और सुपर्णखा का नाक कट गया है, तो धर्म के बारे में यानी उस महापुरुष के बारे में, राम और लक्ष्मण और सीता के बारे में सुपर्णखा कहती है अपने भाई से कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, बागे हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, मानो यह शीर उन्हीं की है। तो रावण कहता है कि अगर इतना बता रही हो, जानती भी हो, तो तुम उनके पास गई और मेरे दो भाई खरदूषण भी वहां रहते हैं, उनसे जाके शिकायत नहीं किया? तो कहती है कि मैं वहां गई थी और उनका काम भी तमाम हो गया, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ये देखो मेरे मेरे कान और मेरी नाक कट गई है। तो कहती कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक बने में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, मानो यह शीर उन्हीं की है। जब मैंने तेरा नाम लिया, हे भाई सुन, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, मेरे कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली, तो मेरी यह नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जो जग में रहकर नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। ये लाइन मुझे राजेश रामायण की लाइन है, मुझे इसलिए याद आ गई कि आज मैं देखता हूँ कि धीरन शास्त्री जहां जहां भी जाते हैं, धर्म की ध्वजा लहराते हैं, प्रचार करते हैं, तो जो ऐसे विधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग इसलिए मैं कहता हूँ जिनको धर्म की जानकारी ही नहीं है, जानते हैं धर्म होता क्या है, वो लोग उछलते हैं, कूदते हैं, अपना पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे धर्म को दबाया जाए, धर्म को लुप्त किया जाए, क्योंकि पिछले लगभग 70 सालों में यही होता रहा है। आज जब धर्म का जागरण हो रहा है, धर्म की जागृति हो रही है, तो उनको कहीं ना कहीं एक काला चश्मा लगा हुआ है, उस चश्मा पहले से लगा हुआ है, अब चश्मा लगा हुआ है काला, तो रंग काला दिखाई देगा ही, इसलिए अब उनको, मुझे लगता है कि उन लोगों को, जो भी विधर्मी लोग हैं, इन लोगों को उस चश्मा को उतारने की जरूरत है, चश्मा को उतारें, देखें, और उनको ये जानकारी भी लेनी चाहिए कि धर्म आखिर कहते किसे हैं, धर्म की परिभाषा होती क्या है। तो तुरंत रावण ध्यान लगाता है कि आखिर मेरे समान बलशाली खरदूषण मेरे भाई हैं, ताड़का सुबाहु का भी वध करने वाले, खरदूषण का वध करने वाले, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई महापुरुष का अवतार है, मुझे लगता है कि नारायण ने अवतार ले लिया है, मैं क्या करूं। तो मुझे यही करना चाहिए कि ये तामस शरीर है, इस तामस शरीर से उनसे प्रेम तो होगा नहीं, धर्म तो हमसे इस शरीर से होगा नहीं, इसलिए मैं जाकर के उनसे बैर बढ़ाता हूँ,
उनकी जगत जननी जगदम्मा, उनकी प्राणप्रिया महारानी सीता का हरण करता हूँ, जिसके माध्यम से जब भक्ति आएंगे, भक्ति आएगी तो प्रभु अपने आप ही आएंगे। सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा है, भक्ति को पहले वो ले लेता कि मेरा भक्ति के नारायण संभव ही नहीं है। रावण को लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, जिनकी दृष्टि जैसा चश्मा वैसा देखते हैं। फिलहाल रावण की कहानी है कि रावण पहले भक्ति का हरण करता है, भक्ति को अपने कब्जे में लेता है और जानता है कि भक्ति आएंगी तो जगत नारायण भगवान प्रभु श्री सीताराम जी स्वयं ही आकर यहाँ विराजमान होंगे। तो रावण सिंह का कल्याण करने के लिए भगवती सीता को वहां लेके आता है। तो विधर्मियों को भी सोचना चाहिए कि इस देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं जगत कल्याण के लिए हो रहा है, धर्म कल्याण के हो रहा है। सचिन जी की बात और बताता हूँ, ये हमारा संपूर्ण शरीर कैसा है, हमारा संपूर्ण शरीर जो भी एड़ी से चोटी तक पूरा विश्व है, और हमारा जो हृदय भवन है ये भारत भूमि है, एक ही देश है जिसको भारत माता कहते हैं। और इस हृदय भवन के जिस दिन धर्म की धड़कन रुक जाती है ये शरीर नष्ट हो जाता है। इसीलिए धर्म की धड़कन भारत में बराबर जगनी ही चाहिए, ये हर एक हिंदुत्व की जरूरत है, ये हर एक सनातनी की जरूरत है, हर एक व्यक्ति की जरूरत है। वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई व्यक्ति हो, हर किसी की जरूरत है कि धर्म की धड़कन को भारत में जागृत करे, जागृत करने का प्रयास करे। क्योंकि जिस दिन ये धड़कन, धर्म की धड़कन इस संपूर्ण विश्व में नहीं, हृदय रूपी विश्व में नहीं चलेगी, तब कोई विश्व का कोई भी देश हो, प्रदेश हो, नगर हो, ग्राम हो, कोई भी चल नहीं सकता। इसलिए भारत में धर्म की धड़कन होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की जरूरत है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि धर्म की धड़कन अपने अपने तरीके से वो जरूर उसको जागृत करे, प्रचार प्रसार अवश्य करे। और रावत जी, इन्होंने विधर्मियों का जिक्र किया, अब हर धर्म में मैं देखता हूँ मजिस्ट्रे हो जाती हैं, खुतबे हो जाते हैं, तमाम तरीके की सभाएं हो जाती हैं। वो जाकिर नायक देखिए कितने लाख इकट्ठा करता रहा, उसको कुछ नहीं हुआ, वो तमाम बरगलाता रहा और कन्वर्ट करता रहा और गाली देता रहा, तमाम चीज़ें करता रहा, हिंदुओं का अपमान करता रहा, कुछ नहीं, सेकुलर रहा। उसके मंच पर भी तमाम नेता पहुँच गए थे जिनको पहुँचना था, उस वक्त मुस्लिम लोग जो है तमाम चीज़ें हो गई थी, ठीक है, ये सब भी चलता रहा, ये देश बहुत अच्छा सेकुलर रहा तब भी। उसके बाद ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, बाकी धर्मों में भी तमाम चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब कोई ऐसा कोई हिंदू धर्म गुरु इस तरह की चीज़ करता है और उसके साथ उसके भागवत में या उसके इस सनातन में जो इतने लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर देता है, तो लोगों को ये राष्ट्र विरोधी क्यों लगने लगता है? सचिन जी, जब भगवान राम को विश्वामित्र जी लेकर के गए तो उस समय भी इसी प्रकार की स्थिति थी कि वहां पर जब अगर तपस्वी लोग हवन यज्ञ करते थे तो वहाँ पर राक्षस लोग उनको तकलीफ देते थे, उनके यज्ञ को कहीं ना कहीं दूषित करने की कोशिश करते थे। यही स्थिति हिंदुस्तान में रही, इतने साल हम गुलाम रहे लेकिन उसके बावजूद भी हमारे धर्म को टिका ना पाए, बहुत सारी चीज़ें, धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया लेकिन फिर भी हम टिके नहीं, भारत टिका नहीं, क्योंकि अनादिकाल है, क्योंकि भारत से सब निकले हुए थे। लेकिन जैसे कभी आचार्य मिश्रा जी ने कहा कि तिलक है, चोटी है, इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। अभी हमारे जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनको हम समझाने में सक्षम नहीं रहे बहुत अनादिकाल से कि तिलक लगाने का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। बेटा, अगर हम उनको बोले कि तुम तिलक लगा के जाओ तो तुम्हें सरस्वती प्राप्त होगी, विद्या होगी और जो तुम्हारा ध्यान का केंद्र है वो मजबूत हो जाएगा, तो बच्चा अपने आप बिना बताए तिलक लगाएगा। अगर हम उसको बोल दें बेटा चोटी रख ले, जो पहले तो मजाक होता था, अगर हम उनको बोले चोटी रखने से तुम्हारे ब्रेन के सिग्नल्स हाई हो जाएंगे और तुम्हारी मेमोरी ज्यादा अच्छी होगी, एग्जाम में अच्छे से पास हो सकते हो, तो वो किसी की परवाह किए बिना हम बच्चा जो है बहुत अच्छे से चोटी रख सकता है। लेकिन समय का परिवर्तन आया और हम इतने सालों में आजाद होने के बावजूद भी ये नहीं समझ पाए कि कहीं ना कहीं कुछ भीतरघात हमारे देश के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में जो लगातार मौलवी और मौलाना है वो जहर उगल रहे हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ की ISI वो जहर उगल रही है, और साथ में हमारे यहाँ भी जो पाले हुए मौलाना थे जाकिर नायक जैसे, वो सरेआम कहीं ना कहीं कुरान का हवाला देते थे और ये बोलते थे सचिन जी कि कुरान की सूरा नंबर फलाना, आयत नंबर फलाने में ये लिखा है कि जहां पर भी आपको काफिर दिखाई दे, मूर्ति पूजक दिखाई दे, उसका कत्ल कर दो और आपको जन्नत मिलेगी और बेहतर हूर मिलेंगे, जिसकी किताब में अगर ऐसा लिखा हो। आज हमारे पास में इनकी काट करने के लिए, भीड़ को कम से कम समझाने के लिए बागेश्वर बाबा जैसे एक व्यक्तित्व पैदा हुए हैं। मैं तो इनको यही कहना चाहूंगा और साथ में जितने कथाकार हैं,
जो मुझे इंडिया न्यूज के माध्यम से सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप नचाते हो ना, ये नाचना बंद करा दो और इनकी जगह ये बताओ कि तुम्हें दुर्गा का रूप धारण करना है, तुम्हें कहीं ना कहीं विश्वामित्र का रूप धारण करना है, तुम्हें वो तेजस्वी और ओजस्वी बनना है धर्म की रक्षा के लिए। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर गजबाए हिंदुस्तान की गजबाए पाकिस्तान और हिंदुस्तान करने की तैयारी चल रही है, वहां से जो वहां धर्म परिवर्तन की तैयारी चल रही है, किस प्रकार से बेटियों के 35-35 टुकड़े किए जा रहे हैं, इसको समझाने की जरूरत है। ये जितनी भी हमारी बहन बेटी आप देखें क्या आप कलश लेकर के यात्रा में चल रही हैं, इनको जब तक आप समझाओगे नहीं, जब तक ये चीज रास्ते पे आने वाली नहीं है, इसलिए मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ, दिल से आत्मा से मन से साधुवाद देता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी को कि उन्होंने इस लाइन को पकड़ा है और वो पकड़ करके आगे बढ़ाते रहे तो देश के अंदर जागृति आएगी, बच्चों में जागृति आएगी, हमारी बहन बेटियों में जागृति आएगी, उनको पता चलेगा कि ये लोग किस षड्यंत्र के तहत कौन सी किताब के तहत ये गजवाए हिंदुस्तान करना चाहते हैं और किस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं और किस प्रकार से कत्लेआम करना चाहते हैं, सरेआम सरतन से जुदा की बातें करते हैं, इसको अलर्ट करना होगा। मैं तो कहता हूं कि अपने प्रवचनों आप बहुत सख्ती के साथ बात रखते हैं लेकिन साथ में तिलक चोटी और हमारे जो विधि विधान हैं उनको भी अगर बताएंगे तो बच्चों पे बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज आपके वाणी में सरस्वती विराजमान है, आज आपको हनुमान जी का आशीर्वाद है, तो आप कम से कम बोलोगे तो बच्चों में बड़ा परिवर्तन आएगा और बच्चे एक्टिव होंगे। तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि बागेश्वर बाबा के दिल्ली में आने के बाद और नोएडा में आने के बाद इस क्षेत्र में NCR के अंदर लोगों में जागृति होगी और कहीं ना कहीं क्रांति सचिन जी जरूर आएगी। और प्रमोद मिश्रा जी, क्रांति और धर्म की क्रांति जब आती है तो ऐसे में वो लोग जिनको जो कहते हैं कि कोई धर्मांतरण नहीं होता, लव जिहाद नहीं होता और किसी तरीके की लिंचिंग नहीं होती, तमाम लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनको फिर ऐसे लोगों से डर क्यों लगता है? देखिए सचिन जी, डर इसलिए लगता है क्योंकि सीधी सी बात है कि जो बराबर अभी काफी सालों से जो चल रहा था, जो अपना चला रहे थे, जानते थे कि हाँ देश तो को हर तरह से मोड़ ले जाएंगे, और सीधी सी बात है अभी जैसे कि रावत साहब भी कह रहे थे, अभी मैं अपनी बात बताता हूँ, हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराया स्कूल में, वहां पर बच्चों को आज चोटी का मजाक बनाया गया, जबकि उसे मोटी चोटी रखी हुई है, बड़ी छोटी चोटी रखी हुई है, टीका लगा के मैं वो जाता था, नित्य संध्या वंदन करके जाता है, तो मजाक उड़ाया गया, बच्चा घर पे आता है, रो रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई पापा मुझे चोटी नहीं रखनी, क्यों नहीं रखनी, उसे पता ही नहीं उसके बारे में, हमने बिठा करके मतलब पता तो रखा था, लेकिन जब स्कूल में गया तो काफी उसको कंफ्यूज किया गया, बच्चों ने मजाक उड़ाया, टीचर कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है, कहीं ना कहीं भेदभाव आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो जब हमें जानकारी उस बारे में नहीं तो इसलिए ये चीजें समाज में कहीं ना कहीं होती हैं। तो जो बेधर्मी लोग हैं, बेधर्मी वही, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो धर्म की जानकारी रखते ही नहीं है और न रखना चाहते हैं, उस पथ पर चलना भी नहीं चाहते, ऐसे लोग हैं। तो हमें जरूरत है वशिष्ठ बनने की, जरूरत है विश्वामित्र बनने की, जरूरत है नारद जी बनने की, जरूरत है गुरु बनने की, से गुरु परंपरा भारत में रही है, ये आवश्यकता है। इसलिए अगर जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ऐसे जो लोग हैं जिनको मिर्ची लगती है, ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि लगती ही लगती है, ऐसे जो लोग हैं तो ये इनको लगेगी, क्योंकि जो इनको मिल रहा था, जो ये कर रहे थे, जो ये चाह रहे थे, वो चाह नहीं पा रहे हैं, उनके जो उनका ब्रेन चल रहा था उसमें ब्लॉकेज हो गई है, उनका ब्लॉक हो गया है, क्योंकि काम दिमाग काम करता ही नहीं, करे क्या, तो सीधी सी बात है जो आदमी पगलाएगा तो उसके मतलब चिल्लाहट तो आएगी, उत्पलाहट तो आएगी, बचा मतलब बिलबिलाहट भी आएगी, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस स्थान पर आदमी जो विचारधारा थी, सोच थी, जो प्लानिंग थी कि 10 साल में ये कर लेंगे, 20 साल में ये कर लेंगे, ऐसा फिर ये भारत ऐसा नहीं ऐसा होगा, जो नीतियां पाकिस्तान की वो नीतियां भारत में लाना चाह रहे थे, अपने उस ग्रंथ की जो भी इनके ग्रंथ है अपने उसका पूरा पालन करते हुए ये चाह रहे थे कि नहीं बिल्कुल उस शिक्षा पद्धति को हम लेके आएंगे, इनको जो भी मतलब हिंदू नहीं इनके यहाँ काफिर होता था वो उस काफिर की भाषा को लागू कर रहे थे, तो अब जो है बिलबिलाहट इसलिए सचिन जी हो रही कि वो अपना कर नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ जागृति हो रही है, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, काफी और ऐसे संत महात्मा लोग हैं जो बराबर इस पर काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, और वो काम आगे इस तरह से कर रहे हैं कि आगे धर्म को बच्चों को सिखाना, उनको जानकारी देना, ज्ञान देना। और आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, इनको मानने वाले हैं और जो इस धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, इन लोगों को भी अपने धर्म की शिक्षा, धर्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है,
भारत की संस्कृति क्या है, सनातन की संस्कृति सभ्यता क्या है, इसका ज्ञान उनको भी होना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। क्योंकि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे या नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इसलिए जरूरी है कि धर्म को मानना, जानना, समझना, अपने जीवन में उतारना, और मानना ही नहीं, हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो सुंदरकांड के चौपाइयों का दोहों को भी जानना भी चाहिए। हम राम की पूजा करते हैं तो राम को ही नहीं मानना, उनके आचार विचारों को भी मानना, धनुष बाण, राम धनुष बाण भी रखते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं दुर्गा माता भी तलवार भी रखती है, चक्र भी रखती है, नारायण की पूजा करते हैं तो नारायण चक्र भी रखते हैं। तो कहने का मतलब उन देवी देवता को पूजा करना, उनके शास्त्रों का पालन करना, पढ़ना, समझना, उनके बताए रास्ते पे चलना भी बहुत जरूरी है। उसको पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसको उसके अर्थ को समझना भी जरूरी है। तो जितने भी कथाकार हैं, जितने भी सुंदरकांड पाठ करने वाले विशेष विशेषज्ञ लोग हैं, जितने रामचरितमानस का पाठ करने या करवाने वाले लोग हैं, मैं इनसे भी निवेदन करता हूं कि ये लोग भी उसका आधार मान करके अपने उसके बारे में बताएं। जितना भी जिनके लोग बात मानते हैं, चाहे वो धर्मगुरु हों, जो भी हों, बात मानते हैं, तो अपनी अपनी भाषा में अपनी तरीके से उनको समझाएं, बताएं कि हमारा भारत क्या है, हमारा शास्त्र क्या है, शास्त्र हमारा क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए। ये शिक्षा उनको होनी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देंगे, हम अपने पीढ़ियों को ज्ञान नहीं देंगे, तो हमारे भारत का भविष्य कैसे बनेगा, कैसे जागृत होगा? क्या क्रिश्चियन की स्कूल में थोड़ी सिखाएगा सिखाया जाएगा? वहां बच्चे जाकर के क्या होता है कि वो अपनी सिखाते हैं। हमारे धर्म से कोई मतलब नहीं होता, कि सनातन क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि बेशक बच्चे कहीं पढ़े, खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, लेकिन संस्कृत भी पढ़ाओ। सचिन जी देखिए, कुरान को समझने वाला एक मुसलमान, वो जो है उसको उर्दू आती है, वो कुरान पढ़ लेता है। अंग्रेजी पढ़ने वाला क्रिश्चियन वो बाइबल पढ़ लेता है। लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है, हमारा सनातन समाज है, उसको संस्कृत नहीं आती है। इसलिए संस्कृत की जरूरत है, जिससे मेरे पास वक्त इतना ही है आप दोनों के साथ जुड़ने का। मैं चाहता हूं मिश्रा जी, आप हमारे दर्शकों को एक चौपाई या भजन के साथ छोड़े जाएं। बहुत सुंदर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रार्थना हनुमान जी की है। अरे प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण से विषयों में आसक्त हूँ। अरे वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही आपने कहा ना कि मेरे सिर पर भी हाथ धर दीजिए, वैसे ही मुझे जो है मेरे जो पीसीआर से मैसेज आया कि नहीं अभी जो है वो इतना ऐसा समा बंधा हुआ है, बात धर्म की हो रही है, बात हिंदू धर्म की हो रही है, तो अभी आप इनका धन्यवाद मत कीजिए, अभी आप थोड़ा सा जोड़े रखिए, अभी एक दो भजन अगर हम और सुन पाए, एक दो चौपाइयां और सुन पाए, ऐसा वक्त कहाँ मिलता है और सुनने को। मुझे बहुत अच्छा लगा, यही लाइन है, मैं बिल्कुल इसी भजन में लाइन, भजन थोड़ा सा लंबा था तो मैं शायद समय की कमी हो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रेक ले, लेकिन मैं सुनाता हूँ आपको। जैसे लोग कहते हैं कि भाई फला आदमी ने मुझे दुखी कर दिया है, मैं उनकी वजह से दुखी हो गया हूँ, इन्होंने मेरा नुकसान कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। धर्म क्या कहता है? अरे दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। अरे हनुमान जी किसके रूप है? शंकर जी के रूप है, तो आप हर रूप, हर मतलब शिव जी, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा,
मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। हर एक भक्त की, हर एक इंसान की, मनुष्य की, मानव की कामना होती है, क्या कामना होती है? तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो, अरे कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज निभता रहे, ऐसा बर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। तो मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की, सृष्टि राजेश दिखे सिया राम में, मतलब मैं जो भी देखूँ मुझे सब सीताराम ही दिखाई दे संसार में, और ना मेरा, ना मैं किसी का हूँ, ना मैं कोई अपना है, मैं सभी का हूँ, सभी मेरे अपने हैं, दृष्टि मेरी ऐसी होनी चाहिए। तो सृष्टि राजेश दिखे सियाराम में, दास दृष्टि में वो अब असर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया ये भजन सुनाने का। नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ अभी मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी आपसे और जुड़ा रहूँ, लेकिन रावत साहब अब गुनगुनाते तो आप भी अच्छे हैं, क्योंकि चौपाइयाँ भी आप अच्छा करते हैं, धर्म की इतनी जानकारी आपके पास है, धर्म का इतना काम करते हैं, और बाकी धर्मों की भी इतनी गहन आप पास समझ है, और इतना आपने स्टडी किया है, लेकिन अगर आपके श्रीमुख से भी कुछ हो जाए। सचिन, मेरा संगीत और मेरा ये जो चिंतन है इस तरह का जो प्रमोद जी का है, उसमें मैं कमजोर हूँ। हाँ, मैं साइंटिफिक और आध्यात्मिक इसके चिंतन में जरूर अपनी वाक पढ़ता रखता हूँ, और कहीं ना कहीं उसका अध्ययन भी है मेरे पास में। जो संगीत वाला जो भक्ति का मामला है वो मेरा थोड़ा सा वीक है, इसलिए इसकी जिम्मेवारी तो प्रमोद मिश्रा जी पर है। ठीक है, मिश्रा जी एक या दो और चौपाई हो जाए। बिल्कुल, मैं बड़ा सुंदर सा एक सुनाना चाहते, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे, और कि जो भगवान राम की स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, इसका मैं थोड़ा सा कुछ समय के लिए अर्थ समझाना चाहता हूँ कि कैसे प्रार्थना होती है। शुरुआत हुई है स्त्री, आप देखिए श्री हनुमान चालीसा जो है वो अभी वहां पर शुरू होता है स्त्री से, श्री गुरु चरण सरोज रज। यहाँ पर जो श्री रामचंद्र की जो है स्तुति है वो भी ऐसी शुरू होती है, कहते हैं बाबा तुलसी ने लिखा कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, बाबा तुलसी कहते हैं कि हे मन, मैं किसी और को क्यों कहूं कि तुम भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, नहीं, मैं अपने आप से कहता हूं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। कहते हैं बाबा तुलसी कि हे मन, तू उन कृपालु का, श्री रामचंद्र का भजन क्यों नहीं करता? वो कहता है महाराज मैं करूं तो, लेकिन कैसे करूं, क्या मिलता है करने से? तो बाबा कहते हैं कि हरण भव भय दारुणम, अरे भव सागर के भय को हरने वाले हैं वो, ऐसी शक्ति उनके पास है, ऐसी कृपा उनकी है कि कृपा जब हो जाए तो भव सागर के भय को हरने वाले हैं। तो मन कहता है कि भाई ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं कैसे कहूँ वो कैसे हैं, मैं कैसे जानूँ स्वरूप क्या है उनका? तो कमल से उदाहरण दिया। कमल से उदाहरण क्यों दिया? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम,
श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कैसे? नव कंज लोचन नयन कमल, मुख कमल, कर कमल, चरण कमल, कमल ही कमल। इस तरह से प्रार्थना की, कहा कि भाई उनका उदाहरण कमल से है। तो मन कहता है कि महाराज कमल से उदाहरण क्यों दिया आपने? तो बाबा तुलसी कहते हैं कमल से उदाहरण इसलिए दिया है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक कमल ही ऐसा है जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। बाकी सृष्टि में सब कुछ बनाया है, सारे जीव जंतु मानव दानव सब कुछ ब्रह्मा जी ने बनाया है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कमल नहीं बनाया है। क्यों? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ही कमल से हुई है, इसलिए कमल का उदाहरण दिया। कमल पावन परम पवित्र है भगवान का, इसलिए दिया। फिर कहता है कि मन कहता है कि महाराज आपने कमल का उदाहरण दे दिया, मैं मानता हूँ समझता हूँ कि भगवान कमल के सदृश लाल लाल भगवान के ओष्ठ हैं, कर कमल सुंदर सुंदर कोपल हैं, ललाट भगवान का है, चरण भी एकदम लाल लाल कमल की पंखड़ी जैसा है। इस उदाहरण दिया भगवान के स्वरूप का उदाहरण दिया। तो फिर कहा कि भाई भगवान का ये तो आपने वर्णन कर दिया, लेकिन स्वरूप कैसा है? तब कहा कंदर्प अगणित अमित छवि। अमित छवि, जो छवि कोई मिटने वाली है ही नहीं, एक बार छवि हृदय में बैठ गई वो छवि जीवन भर कभी मिटने वाली है ही नहीं, ऐसी छवि है। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। कहते हैं भजुदीन, अरे उनका भजन कर, किसका? भजुदीन बंधु, दीन बंधु, जो कोई भी दुखी आ जाए, कोई भी दीन आ जाए, कैसा भी आ जाए, भगवान सबकी शरणागति ले लेते हैं। विभीषण रावण का भाई था, लेकिन भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम दुश्मन के भाई हो, नहीं, आओ शरणागति है। तो भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजान, आजान क्यों कहा? भगवान राम की भुजाएं उनके घुटने से लगती थी। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय। महाराज हृदय में विराजमान होइए, कैसे? जैसे हनुमान जी के हृदय में हुए थे। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। हृदय में जो खल दल बैठे हुए दुष्टों के समूह, झुंड के झुंड बैठे हुए महाराज, श्रीमुख से इतनी सुंदर आराधना ये सुनने को मिली, दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आप एकजुट हो रहे हैं और चीजें चल रही हैं, वो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा शुभ संकेत ही देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।